विदर्भ का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, पर सबसे पहले मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बहुत करीब आज से 25-30 साल पहले गोविंद डागा जी और विलास जी ने जब वेद का काम शुरू किया, तब उन्होंने शुरुआत में बहुत प्राथमिक स्तर पर विदर्भ के विकास की अनेक संकल्पनाएं उन्होंने तैयार की और काफ़ी बड़े प्रमाण पर विदर्भ के विकास में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। विशेष रूप से जो मिहान बना है, इसके लिए गोविंद को याद होगा कि गोविंद जी और विलास काले टाटा कंसल्टेंसी के, मैं मंत्री था उस समय महाराष्ट्र सरकार में, एक कंसल्टेंट इंजीनियर थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, हिम्बाड़कर या कुछ तो भी था। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि नागपुर के ऊपर से रोज 350 फ्लाइट जाती है। तो मैंने उनको तुरंत कहा, दिखती तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया से, चाइना से लेकर जो यूरोपियन कंट्री और यूएसए तक जाती है, नागपुर से जाती है। और इसलिए नागपुर में इंटरनेशनल कार्गो हब और पैसेंजर हब का निर्माण होना चाहिए, और वहीं से मिहान की शुरुआत हुई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये मिहान के बारे में फिर उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। तो बेसिकली ये जो मिहान और ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, इसको उस समय के वेद के ऑफिस बेरर ने उसको उठाया, और गोविंद और विलास ने विशेष रूप से, और दोनों के कारण आज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से सामने आया। अभी मिहान में 68,000 लोगों को रोजगार मिला है और आने वाले समय में लगभग हमारी सभी आईटी कंपनीज अब आई है। हमारे यहाँ 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और मिहान के साथ अब स्मार्ट सिटी के रूप में मिहान के आजू बाजू में डेवलपमेंट भी हो रही है। एक बात महत्वपूर्ण है कि हेल्थ सर्विसेज में, एजुकेशन में काफ़ी बड़े प्रमाण पर इस 25-30 साल में हमने काम किया है। अभी इन्होंने जितनी समस्याएं बताई वो छोटी मोटी समस्या, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि विदर्भ में कोई 500,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमी है, और इसके कारण हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते। हम लगातार कोशिश करें कि कोई ना कोई मिले, पर वो हमारे यहाँ भी हाथ में लग नहीं रहे। परसों मेरे घर पर सज्जन जिंदल आए थे, आजकल उन्होंने वो MG हेक्टर कंपनी को टेक ओवर किया, तो मुझे बता रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी आप देखो एक बार हमने तैयार की है। तो आज उन्होंने मेरे घर पर वो लांगिया जी लेके आए थे, तो मैंने उनको कहा कि सब गाड़ी वगैरह देखता हूँ और पहले कुछ नागपुर में शुरू करिए, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, ये फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण आयाम हैं, पर अभी तक हमें ऐसा बड़ा यूनिट मिला नहीं है। बूटीबोरी भी MIDC एरिया में तो लगभग अभी काफ़ी यूनिट शुरू है, काफ़ी बंद है, और जो जमीन लेता है वो बेचता भी नहीं और नया यूनिट आता भी नहीं। और मैंने बहुत बार कहा कि जिनको जो यूनिट 5 साल में नहीं शुरू करते उनकी जगह वापस ले लो, तो वो होता ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक से जो करता भी नहीं शुरू, और एक तरफ लोगों को बोलते हमारे पास जगह नहीं। मिहान में भी ऐसे ही है, मिहान में जो लोग आते हैं उनको जो तुरंत निर्णय करना चाहिए होने में काफ़ी दिक्कत होती है, और जिसके कारण अब मिहान में भी रिंग रोड के टूवर्ड्स घूमगांव अब जगह एक्वायर करके वहाँ भी जाने की आवश्यकता है। एक बात महत्वपूर्ण है कि नागपुर बीइंग 0 माइल लॉजिस्टिक कैपिटल बन सकता है, ये भी एक कंसेप्ट आया था। अभी मेरे डिपार्टमेंट की ओर से मैंने 1200 करोड़ रुपए मंजूर करके रखे थे कि अजनी में हम बहुत बड़ा मल्टी मॉडल ऐसा स्टेशन बनाएंगे,
पर एनवायरनमेंट वालों ने और कोर्ट ने विरोध करके मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, 1200 करोड़ पड़े हैं, अब मैं उसको डाइवर्ट करके दूसरी जगह खर्चा करूँगा। फिर देवेंद्र जी ने लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में 1200 करोड़ दिए हैं और अभी सिंधी का ड्राई पोर्ट शुरू हुआ है, वहाँ जगह एक्वायर्ड करके नागपुर के फूड कॉरपोरेशन के गोडाउन और सब उधर लेके जाएंगे तो नागपुर में कम से कम जो ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि नागपुर में भी स्मार्ट सिटी बनने में पहली बात तो एक है कि वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नागपुर इज द ओनली सिटी इन द कंट्री वेयर वी हैव 24/7। और आज ही मैं इंजीनियर को लेके उनको बोला कि मास्टर प्लान दिखाओ मेरे को कि वाटर की पाइपलाइन कहाँ होगी, कौन सा पाइप होगा। तो वो सब डर गए क्योंकि काय का प्लान और काय का क्या, जो मन में आया डालो पाइप उधर, ऐसे ही चलता है। तो आज 20 दिन के बाद वो आई थी पाइप, मैंने बोला ऐसा नहीं, मैं देखूंगा एक एक जगह, और नहीं तो तुम्हारी सबको ढुवाई करूंगा अच्छी तरीके से। ड्रेनेज का कोई डिजाइन नहीं। अभी पहली बार टाटा को कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है नाग नदी में, वो 3 विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र में मैंने कमिश्नर को कहा कि इनको बाकी का काम दो, लेट वी हैव ए टेक्निकल मास्टर प्लान फॉर ड्रेनेज सिस्टम। और नाग नदी और उसके साथ बाकी के नदियों 2400 करोड़ मिले हैं, अब उसका काम शुरू हो रहा है। काम बहुत कठिनाइयां हैं, मैंने अपने घर के सामने, और मेहरबानी करके हमारे हेरिटेज वगैरह मत बनाओ, नहीं तो हम घर में खिड़की बंद करके ऐसे देखते रहेंगे जैसे जानवर देखते हैं और सब हमारे डेवलपमेंट बंद होगी। ये इधर ही करो आप, ये गोविंद डागा का बंगला अच्छा है। तो विलास काले को बड़ा इंटरेस्ट है, काले परिवार को, उनको हेरिटेज में उनके घरों को पहले कर दो। हमारा राजवाड़ा भी बैंड बज गया, हमारे घर भी बाड़े बाड़े रहे केवल, सब हमारे बैंड बज गया। अभी मुश्किल से अभी मैं जाने वाला हूँ रहने के लिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ काम करना। मैं 7 वर्ड रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पर मेरे घर के सामने के 2 किलोमीटर रोड बनाने के लिए मैंने अपने जीवन के 12 साल खर्चा किए। इसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा है। 9 डिलीट्स मुझे मिली, मुझे लगता है अब तो 10 का सब्जेक्ट वही लेके उस पर मिलानी चाहिए। और अभी शहीद चौक तोड़ने का काम शुरू हुआ, तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वो रोड 4 लेन करना है, 3 नल चौक। कभी आप गई है क्या उधर? वहाँ जाने का एक बार आनंद लीजिए। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो वो पैदल के स्पीड के ही चलती है, वहाँ हिलती नहीं। अब वो पूरे दोनों बाजू के प्रॉपर्टी एक्वायर करके हम 4 लेन कर रहे हैं और 7 मार्केट डेवलप कर रहे हैं। जो गंगाराम जी का ऑफिस है वहाँ से लेकर ये कॉटन मार्केट से लेकर, आप क्या करिए कि जो जो इस प्रकार की डेवलपमेंट विदर्भ में होती है उनके प्रमुख लोगों को बुलाकर उनका प्रेजेंटेशन कराइए। अभी ब्रजेश दीक्षित को बुलाइए, कल मैंने 7 आर्किटेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं। नेताजी मार्केट अच्छा हो रहा है, फुले मार्केट अच्छा हो रहा है, सोक्ता भवन का टेंडर निकल रहा है, बाद में लंदन स्ट्रीट की एक बहुत सक्सेस स्टोरी है कि 2.5 करोड़ में हमने जगह ली और अभी 6 प्रोजेक्ट पूरे हुए। ऑफिस ने डिज़ाइन किया था, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने, अब 24 पैकेजेस है और 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से महानगर पालिका को 2000 से 2500 करोड़ मिल रहे हैं, यानी इतना अच्छा हुआ। अभी जो मार्केट डेवलप हो रहे हैं इसमें यशवंत स्टेडियम को गिराकर भी नया बनाने का है। तो अभी ब्रजेश दीक्षित साहब को दिया है, गोकुलपेट मार्केट पूरा गोकुलपेट गिराकर उसका भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है। देवेंद्र जी और मैंने उसको सिलेक्ट किया है, मुंबई का आर्किटेक्ट है, और बहुत पार्किंग रखा है, हजार हजार गाड़ियों का पार्किंग किया है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे डेवलपमेंट में है नागपुर शहर की डेवलपमेंट, फिर उसके साथ नया एयरपोर्ट का मार्ग खुला हुआ थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। 3 साल तक एयरपोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रहा था कि क्या करना है। और बहुत धन्यवाद है उनको कि 3 साल के बाद क्यों हो उन्होंने हमारा क्लियर कर दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है। अब उसके बाद में अभी
आजकल बहुत सुमोटो हियरिंग लगती है हाईकोर्ट में, और कोई पत्र पे भी लग जाती है। आज मैं जनता दरबार में था, तो एक्टिव है जुडिशरी, शायद हमारी कुछ कमी होगी इसलिए एक्टिव। अभी बहुत से जगह पर उनका भी ध्यान है। नागपुर में जो समस्या है वो पहले मैं नागपुर का इसलिए कह रहा हूँ, नागपुर में प्ले ग्राउंड्स नहीं है, गार्डन्स नहीं है, और हमारी जो एजेंसी है वो बहुत निकम्मी है। अभी बीच में जब मैंने अभी जनता दरबार लिया महानगर पालिका और एनआईटी का, तो मुझे हजारों से 12-15 हजार लोग आए। मैंने कमिश्नर और अधिकारियों को बुलाया कि ये इतनी कंप्लेंट है और मुझे एक एक का जवाब चाहिए, नहीं मिले तो बस जो कुछ मैंने बोला वो आपको नहीं बता सकता। मेरे कारण 3-4 हजार लोगों के काम हो गए। अभी कचरे की समस्या बड़ी है, कचरे में दो एजेंसी है। कल मैंने एक को बुलाकर एक 35 उसकी मिनी ट्रक लगाए, और एक सबसे अच्छी बात हुई कि नागपुर में नेदरलैंड की कंपनी जो है उन्होंने 1200 टन कचरा इकट्ठा होता है, पहली बार कचरे को सेग्रीगेट करके उसमें CNG 28 टन CNG पर डे निकलेगा। प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, उनका पायलट प्रोजेक्ट की कल मशीन JNPT में फंसी थी, कल ही मैंने उनको क्लियर करके दिया, तो शायद एक महीने में वो वहाँ 2 टन CNG पर डे बनाएंगे। और वेस्ट टू वेल्थ का नागपुर सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम टॉयलेट का पानी भी बेच रहे हैं और ये भी हमारे कचरे से भी, ये आने वाले 6 महीने में हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है वो हमारा पानी नाग नदी के द्वारा अंभोरा जाता है, और जहाँ 3 नदियों का संगम है वहाँ पूरा नाग नदी खराब कर देती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अंभोरा जाइए, अंभोरा ये हमारी अभी सबसे बेस्ट डेस्टिनी बन रही है, वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, अभी हैवरक्राफ्ट भी सैंक्शन हुआ, जो पानी के ऊपर हवाई जहाज जैसा होता है उसका भी टेंडर निकला है, और वहाँ एक केबल स्टेट ब्रिज बना है, उसमें कॉफ़ी शॉप है, और नीचे का बेस ग्लास का है, तो नीचे देखकर आपको रिवर दिखेगा, बहुत सुंदर बना हुआ है। वहाँ एक रेवती और बाकी लोगों ने मिलकर वहाँ एक बहुत अच्छा भगवान गौतम बुद्ध और महाभारत के ऊपर एक लाइट एंड साउंड शो तैयार हो गया, वो भी फाइनल हो गया। कल विवेकानंद जी के ऊपर का लाइट एंड साउंड शो का 4 तारीख को अंबाजरे में उद्घाटन है। आपने अभी जिसका उल्लेख किया वो जो हमारा पार्क है ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, बहुत सुंदर बना हुआ। 2 तारीख को बूफी लकड़ावाला और सचिन तेंदुलकर दोनों की फैमिली आने वाली है, उनने कहा कि पोहा खाना है आपके घर पर, तो मैंने बोला पोहा मेरे घर पर खिलाऊंगा और कॉफ़ी आपको वहाँ पिलाऊंगा, तो दैट इज़ बहुत सुंदर बना हुआ है। और वो भी उसका कल ही 2500 लोग गए थे, और उसमें जो स्पेसीज है वो फल लगे हुए अच्छे अच्छे हैं, जो केवल बर्ड्स के लिए रखे हुए हैं, ऑल टाइप ऑफ सुंदर फ्रूट्स हैं। फिर उसमें इन्वायरमेंट की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम लेने वाली स्पेसीज लगाई है, 2 तालाब है, और बहुत सुंदर एक रेस्टोरेंट भी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो ताड़ोबा जाएगा वो रुकेगा ही। अब वहाँ 20 एकड़ में ये और एक 20 एकड़ जगह है, वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बर्ड्स है दुनिया भर के, इनको लाकर हम लोगों को उसका एक आकर्षण का केंद्र बनाने का भी विचार है। जो ताड़ोबा, पेंच और उमरेड टाइगर तो आ गए, अब इसकी मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा। पहली बात ऐसी है कि हमारे यहाँ ताड़ोबा में, पेंच में प्रॉब्लम है, डीजल की जिप्सी चलती है और टाटा की, वो 3-9 लोग बैठते हैं, उसके कारण उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है संख्या, और संख्या रिस्ट्रिक्ट की इसके कारण रोज फुल है, उससे गाड़ियाँ ही नहीं है, कुछ इल्लीगल घुसती है, और उसके कारण जो टूरिस्ट का फ्लो है वो आ नहीं पा रहा है। तो वहाँ 5-star 3-star अच्छे रिसोर्ट्स बने, अब लोगों ने बनाए भी हैं और उनका इनकम भी अच्छा है, तो फिर मैं पीछे पड़ा
और वहाँ मैंने एक दिल्ली के कंपनी को लाया और फॉरेस्ट ऑफिसर को साथ में लेकर एग्जिस्टिंग पेट्रोल जिप्सी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया। और मैं अभी 2-3 दिन 4-6 महीने के पहले ताड़ोबा था, 2 दिन मैं इलेक्ट्रिक जिप्सी में घूमा, वो सक्सेसफुल हुई। तो फिर इलेक्ट्रिक जिप्सी में, इलेक्ट्रिक गाड़ी में आवाज़ भी नहीं हो रहा और धुआं भी नहीं आ रहा, नो एयर पोल्यूशन, नो साउंड पोल्यूशन। तो पहला काम अगर आपने ये किया कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अगर अलाउ कर दिया और ये संख्या अगर 3 गुना बढ़ेगी तो आने वाला फ्लो पेंच का, ताड़ोबा का, उमरेड़ का, ये काफ़ी बड़े प्रमाण पर बढ़ेगा और लोग आएंगे तो फिर रिसोर्ट और नेचुरली हमारे ये सब उसमें डेवलप होंगे। इसमें बड़े बड़े कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए जैसा, ठीक है, पर दूसरा ऐसा कि भी मैं कान्हा में गया था, रायपुर के एक है कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिलने के, उनके ही था ताज वहाँ का, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ताड़ोबा में एक बना रहा हूँ। तो ताज के साथ उन्होंने ऐसा किया कि वो एक एक बंगला 1.25 करोड़ कुछ होगा वो बनाएंगे और जो ये खरीदी करेगा उसका 1 महीना उसको फ्री ऑफ चार्ज रहेगा और बाकी 11 महीने वो किराए से देंगे। तो इस टाइप में हमारे यहाँ के लोग रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल्स और जो पॉलिसी बता रहे आप वो महाराष्ट्र सरकार की बहुत अच्छी आई है। अब ये बड़े प्रमाण पर बनाने में जो यहाँ होंगे उसके साथ हमें सोचना होगा कि लोगों को क्या चाहिए। सबसे बात है कि लोगों को टॉयलेट्स अच्छे चाहिए। मैंने कल हमारी NHAI का टेंडर में लिखा कि हर आदमी टॉयलेट में जाएगा, महिला या पुरुष, तो हर आदमी जाने के बाद वो कपड़ा मारेगा और उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखेगा कि क्लीन नहीं होगा तो उसके तकरार करो, उसका रेटिंग करो, ताकि वो नीट क्लीन अगर हो तो ये एक ज़रूरी है। दूसरी, रहने की व्यवस्था और रेट रिजनेबल हो, क्योंकि मोहम्मद सिंह चुली के मैंने इसका होटल का उद्घाटन किया तो उसको बहुत लंबी जगह थी, तो मैंने बोला तुम तो मेरी बात सुनो, तुमने ये जो कुछ बनाया होटल इसकी कॉस्ट 1200 रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर नहीं है। बोले आपने बराबर पहचान लिया। मैंने बोला तुमने जितना सस्ता मटेरियल सब यूज़ किया है, ऊपर में पेंट लगा दिया, तुम ये काम करो ये जो 24-25 बंगले हैं उसके साथ और 60-70 बना दो। उसने बनाया तो पूरा 100% अच्छे चल रहे उनके। तो लो कॉस्ट में अच्छा हाउसिंग, अच्छा रिसोर्ट बनकर उसका 4000-5000 तक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 25-35 हज़ार देने की कैपेसिटी नहीं है, 5-6 हज़ार तक लोग ले सकते हैं, पर वो कम कैपिटल कॉस्ट में विथ लो इंटरेस्ट कॉस्ट, तो वो भी अफोर्डेबल होगा। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे यहाँ पानी है, वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स। अभी कलेक्टर ने और ने बैठकर, जैसे मैंने कहा कि हमने वो ये लगाया हावरक्राफ्ट रशिया से ला रहे, वो वैसे मैंने उनको कहा कि ये जो अम्बोरा में 2 पहाड़ है, एक भंडारा जिले में, एक नागपुर जिले में, अपने नागपुर की एक महिला है और उसके साथ वो पद्मश्री मिली हुई लड़की है पूना की, जो ऊपर से डाइव कर दिया, तो दोनों को काम दिया उन्होंने, काफ़ी अच्छे लाए हैं कि यहाँ से लटक कर उधर जाना, उधर से इधर जाना, और बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स लाए, पानी के लाए। और अम्बोरा में तो बेट है ऐसा जहाँ आप अच्छे रिसोर्ट्स बना सकते हैं। मैंने गुरनानी साहब आए थे, वो पहले टेक महेंद्र के चेयरमैन थे, तो उनको मैंने आगरा से अम्बोरा भेजा। अब वो ही इज़ रेडी टू इन्वेस्ट देयर, महेंद्र रिसोर्ट के चेयरमैन है। तो नेचुरली अब इस समय अगर 5-7-10 अच्छे होटल्स आएंगे तो अम्बोरा ये अच्छी डिस्ट्री बन सकती है, ताड़ोबा बन सकती है, चिखलदरा बन सकती है, और इसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मॉडल तैयार करो कि जैसे मैंने कल NHAI में ऐसा मॉडल तैयार किया ये पार्ट के लिए कि पूरा सोलर लगा दिया ऊपर, तो पावर कॉस्ट 0 हो गई। फिर उनको कहा कि सिक्योरिटी जो रेस्टोरेंट चलेगा वो उसकी होगी, पेड़ को मेंटेन करने का काम उसका होगा, और शौचालय और ये बाकी भी मेंटेन वही करेंगे। और उसके साथ कल मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल के लड़के और टीचर्स आए थे, उन्होंने बर्ड्स के ऊपर एक किताब निकाला। अब वहाँ कोई बर्ड्स का लॉकेट, बनियन, उसको ब्रांडिंग करके अगर करता है तो एक एक चीज़ बहुत अच्छी बन सकती है।
बिकॉज ऑफ नेचुरल एडवांटेज फॉरेस्ट वगैरह हमारे पास है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विदर्भ में कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आने चाहिए। राठी जी ने अच्छा रिपोर्ट किया और सब सरकार के भरोसे नहीं होते। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषयकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैं कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, नेचुरल लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली। फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर रोज मुझे लोग मिलते हैं कि मैं ऐसी हालत में हूँ, NCLT में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें और प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लॉजिस्टिक है उसमें डीजल पेट्रोल की टैक्सी के बजाय इलेक्ट्रिक की टैक्सी आती है, और ये जो फ्लेक्स इंजन की, अभी मैं उस गाड़ी में आया हूँ, मेरे घर पे बना हुआ इथेनॉल पे चलती है 100%, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट, नो स्मेल, नो पोल्यूशन। और अभी टाटा, टोयोटो और सुजुकी तीनों भी बना रहे, स्कूटर भी बन गए, बजाज, TVS और इनकी 50% उनका एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे यार राइस है और राइस स्ट्रॉ है। मैंने खुद तुमसर में अभी मेरा 15-20 दिन में प्रोजेक्ट शुरू होगा, हम 5 टन पर डे बायो CNG बना रहे, तो ये पोल्यूशन भी कम होते हुए कॉस्टिंग कम हो जाएगी। यानी एक अभी मैं इसी सेवा के भाव से ये इलेक्ट्रिक बसेस चलाता हूँ, तो ये सीनियर सिटीजन अभी तक 80,000 लोग फुकट यात्रा कर गया है। तो अभी शेगांव में इलेक्ट्रिक बस जाती है, तो करते करते एक टाटा ने दिए, अब सब ने दिए, हमारे पास शायद 6-7 बसेस हो जाएगी, एक डबल डेकर बस है। हम फुकट में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए देते हैं, तो वो देखा कि इतना उत्साह है लोगों में जाने का कि धापेवाड़ा आधा सा पैकेज बन सकता है, अम्बोरा पैकेज बन सकता है, रामटेक खिंडसी का पैकेज बन सकता है, फिर यहाँ से माहूर का बन सकता है, फिर शेगांव का बन सकता है, शेगांव में लोणार को ले सकते हैं, चिखलदरा का बन सकता है। ये 8 दिन अब लोग रहेंगे नहीं गए, जो IT वाले वगैरह 2-3 दिन के ज़्यादा ऊपर नहीं रह पाएंगे, पर उनको जो पैसा देने में अच्छी सर्विस चाहिए। और इसलिए टूरिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास नेचर 80% ऑफ द महाराष्ट्र फॉरेस्ट इज हमारे यहाँ। आप एक थोड़ा वेद की तरफ से WCL के पास जाइए कि जो माइंस है, ये माइन के लिए कोल माइन के अंदर जाकर लोग देख क्या है, तो ये भी कोल माइंस, इसका उपयोग हम टूरिज्म में कर सकते हैं। बाहर आने के बाद उनको अच्छे रेस्टोरेंट में वो चाय कॉफ़ी वगैरह मिल सकती है। तो हमारे यहाँ अभी काफ़ी डैम बने हुए हैं और उसमें विशेष रूप से बड़ा पोटेंशियल है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि वाटर स्पोर्ट्स और इसमें हम लोग बहुत जगह पर ये डेवलप कर सकते हैं। पर ये डेवलप करते समय जब इसको चलाने के लिए वो प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट से लोग आने चाहिए, और वो हमारे विदर्भ के आने चाहिए। और जब तक ये 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ले कम से कम 100, 1000 करोड़ वाले कम से कम 50, ये अगर नहीं मिलेंगे तो विदर्भ में मुश्किल है डेवलपमेंट। हर बार कोई हम इसको अंबानी को बुलाओ, टाटा को बुलाओ, या हमारे यहाँ के अंबानी टाटा का फायदा होंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो यंग टैलेंटेड जो फैमिली है, बिजनेस फैमिली, उन लोगों को अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, तो ये मैं जो आपको कहूँगा कि वेद ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट ये करना चाहिए,
अब जैसे मैं बता रहा हूं तो मुझे मालूम है 90% बातें आपको मालूम नहीं होंगी। अभी जो मैंने बताया, जो हम कर रहे हैं, उसमें से 10% बताया, क्योंकि नेचुरली देर इज नो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। तो ये जानकारियां इकट्ठा करके कंसर्निंग लोगों को बताना और उनके साथ अगर आप ये करेंगे तो उसका फायदा होगा। और जो फ्यूचरिस्टिक विजन है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो विदर्भ का फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जिसमें ग्रोथ तो बढ़े पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसा बढ़े, मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगा। आप सब अर्बन सेंट्रिक बहुत सोचते हो, अच्छी बात है, पर आप रूरल सेंट्रिक नहीं सोचते। अभी मैंने 450 करोड़ हमने मदर डेयरी का प्लांट का काम बुटीबोरी में शुरू किया है। अभी वो 500,000 लीटर दूध ले रहा है। 2 साल में हम 40 से 50 लाख लीटर दूध लेंगे। अब वो आइसक्रीम से लेकर पनीर से लेकर चीज बनाकर यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब मदर डेयरी का जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो 450 करोड़ का बड़े प्रोजेक्टों पर, इसका इम्पैक्ट 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। अभी हमने वेटरनरी में नई टेक्नोलॉजी लाई, हिंदुस्तान में 3 जगह पर आई है। मैं नहीं कर पाया, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसी है कि हमारी 2 लीटर की गाय को अगर हम लोग ब्राज़ील में जो गिर गई थी 1952 में, उसका जो बुल हुआ वो 60 लीटर के गाय को, वो उसका सीमेंस हमारे गाय को जब दिया तो 20 लीटर की गोरी हुई। तो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी दिवे साहब के यहाँ ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे टेस्ट ट्यूब गोरी 8 तैयार हुई और 4 गोरे तैयार हुए। अब ये विदर्भ में जो 2 लीटर देने वाली गाय है, अगर हर गाय अगर 20 लीटर दूध देने वाली होगी तो विदर्भ की इकोनॉमी इतनी बड़ी डेवलप हो जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं सांगली गया था चितळे जी के यहाँ, मैं महाराष्ट्र में 3 प्रोजेक्ट है इसके, तीनों का उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ। तो उनका प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है तो पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में भैंसों में और गाय में 10 साल के बाद हर 20 लीटर के ऊपर हर दूध देंगी। और हमारे यहाँ मेरे यहाँ डेयरी बंद की मैंने, क्योंकि जब गाय गर्म होती थी तो डॉक्टर गायब रहता था, जो डॉक्टर रहता था तो गाय गर्म नहीं होती थी, करते करते पूरे डेयरी का बैंड बच गया। अभी एक वो जब मैंने वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी में बीसी को बताया कि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी हमारे काम की क्या है, अगर मेरे यहाँ की गाय अगर गाभण नहीं हो रही तो मुझे जरूरत नहीं मिलती तुम्हारी, तुम ये पहले करो। अब मेरे यहाँ डॉक्टर को, अभी मेरे यहाँ पहली बार 10-12 गाय अच्छी डेवलप हुई क्योंकि वो देख रहे हैं। अब ये जो बारामती में पवार साहब का दूसरा सेंटर है, वो मैंने भी वेटरनरी कॉलेज का, तो ये दूध की क्रांति अगर हमारे अभी 9 पूरे विदर्भ के जिले कवर हुए। अभी गढ़चिरौली जिले में जो आयन ओर शुरू हुआ उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मैं आपको बता दूँ, 5 साल के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा GST रेवेन्यू देने वाला जिला गढ़चिरौली होगा। और वो मैंने उनको एक ही कहा कि तुम बाहर के लोग मत लाओ, तो उन्होंने जो नक्सलाइट मूवमेंट में थे वो भी सरेंडर होकर आ गए, ड्राइवर बन गए और 5,000 लोगों को रोजगार दिया। अब वो वहाँ कपड़े महिलाओं को प्लस रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं, वो ट्रेनिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर डाल रहे हैं, फिर वहाँ IIT इंजीनियरिंग कॉलेज डाल रहे हैं, आगे मेडिकल कॉलेज डालो करके मैंने। तो नेचुरली क्या हो गया कि ऑल सेक्टर में डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो टूरिज्म के साथ अलाइड सेक्टर्स में जब तक परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो टूरिज्म के लिए कौन निकला, जो खाने के लिए मोहताज है वो कहाँ का टूरिज्म के लिए जाएगा। जब तक उसकी ग्रोथ रेट में पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा तब तक टूरिज्म नहीं होगा। और ये जहाँ ग्रोथ रेट बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, वहीं होटल और रेस्टोरेंट चलते हैं। मैं पुणे में जाके देखता हूँ, जो पुणे में होता है, पहले जो मुंबई में होता है वो 2 साल के अंदर पुणे में होता है, और 2 साल में जो पुणे में होता है 2 साल के बाद नागपुर में होता है। अभी मैंने देखा यहाँ पुणे में वो चांदनी चौक का इनॉग्रेशन हुआ तो एक होटल में गए थे, तो पहाड़ी पर रिसोर्ट था, लाइन में 5 रिसोर्ट थे और हर रिसोर्ट में 500-600 लोग खा सकते ऐसे रेस्टोरेंट थे। तो मैंने उसको बोला तुमने इतनी कैपेसिटी की और तुम्हारे चलता है, बोले साहब रात को बुकिंग नहीं मिलता।
अब हमारे यहाँ रेस्टोरेंट उतने नहीं है, है तो पार्किंग बिल्कुल नहीं है, अब ये फूड मॉल नहीं है, अभी ये फ्रूट वेजिटेबल मार्केट नहीं है, होटल के सामने बैठे सब, अब वो रिंग रोड पर उमड़े बकरियाँ काट रहे हैं, मटन मार्केट नहीं है, अभी मैं वो लंदन स्ट्रीट में प्रोविजन की ओर एक 25 मार्केट फ्रूट वेजिटेबल करने की सोच रहे हैं। तो शहर के प्लानिंग में बाहर से आए हुए लोगों को जब तक कंफर्ट्स नहीं मिलेंगे, मैं मिकी को हर बार बोलता हूँ कि तुम सेंटर पॉइंट पूरा गिरा दो और नया बनाओ, और मैंने बोला तुम ये नहीं करोगे, तुम्हारे यहाँ पार्किंग नहीं, अभी इनके यहाँ कोई आएगा नहीं, तुम भी नहीं कार्यक्रम करोगे, क्योंकि इन्होंने गलत जगह होटल बनाया, इनके यहाँ पार्किंग नहीं, हमने इनके लिए रोड बनाया पार्किंग की व्यवस्था करनी, अब ये पूरे छोटे रोड पर पूरा रखा, तो मैं इनके लिए कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर कल जाके प्रोग्राम कैसे होंगे। और इसलिए आने वाले, अभी मैंने जो ये पार्क तैयार किया उसमें 300 गाड़ियों का पार्किंग है, और वहाँ ओपन एयर थिएटर बनाया वो 800 लोगों का, तो धीरे धीरे जब लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे पार्किंग और है, तो नेचुरली ये शहर की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे, और टूरिज्म के कंट्रीब्यूशन को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में मुझे लगता है इसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। और अभी बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ, मैं मंत्री हूँ इस डिपार्टमेंट का, मुझे पूरा विश्वास 200% राइज है इलेक्ट्रिक में, अब इलेक्ट्रिक का ट्रक दूर नहीं है, और इसलिए डीजल और पेट्रोल ये अब धीरे धीरे 5 साल में काफ़ी ख़त्म हो गया। मैं दुबई गया था तो राजा को मिला, राजा ने मुझे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, उनने मुझे कहा कि तुम्हारा मैं पढ़ता हूँ सब अच्छा है, पर हमारे पेट पर लात मत मारिए। बोला मैंने क्या हुआ, बोले तुम पेट्रोल डीजल बंद करने की बात करते हो, हमारा वैभव उसके कारण है, और तुमने ये बंद किया तो हम क्या करेंगे। मैंने बोला तुम सोलर पावर तैयार करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, बाकी ये पोल्यूशन के कारण अच्छा नहीं है। तो आने वाले समय में जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, इसमें से सभी अलाइड सेक्टर्स को, अभी ये आपने बात की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, यही तो कल्प्रिट है, कोई काम नहीं होने देते स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक वो गढ़चिरौली में एक मार्कंडेश्वर का देवस्थान है, 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, गिर रहा है, करने नहीं थे। देखिए मैं भी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए बहुत प्रो हूँ, मैं ग्रीन फ्यूल पे काम करता हूँ, मैंने 4 करोड़ पेड़ लगाए, करीब 78,000 ट्रांसप्लांट किए, खुद इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मैं क्या एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में हो गया, मैं बिल्कुल इसके फेवर में। अभी हम लोग कचरा सेग्रीगेट करके 2 अक्टूबर से सिस्टम करेंगे, कचरे को सेग्रीगेट करके लाइए, अब कचरे वेस्ट टू वेल्थ, ये इसमें पीछे पड़ा हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि एक्सेंट्रिक इससे करने से प्रॉब्लम नहीं होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द जुनाइन एंड लेजिटिमेट ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स, और वो अगर नहीं करेंगे तो आखिर लोगों की भी प्रॉब्लम आएगी। अभी हमारे सामने समस्या है, आप अच्छा हुआ आप नागपुर के ऐसे पार्ट में रहते हो कि आपको 10% नागपुर मालूम है, मैं चुनाव में घुमा, 1-1 फीट के गड्ढे थे और रोड ही नहीं है, और रोड जब अभी DPR जब तैयार किया तो 4,500 किलोमीटर रोड बनाना है, और 2 करोड़ मिनिमम खर्चा पकड़ो तो वो कॉस्ट आती है 10,000 करोड़, और कॉरपोरेशन के पास वो बोलते थे पॉइजन खाने के लिए पैसे नहीं, 10,000 करोड़ कहाँ से लाओ। मैंने बोला देखो इफ देर इज अ बिल देर इज अ वे, मैंने वो डॉक्टर शिंगोटे जी को पकड़ा और 15-20 लाख रुपए किलोमीटर की टेक्नोलॉजी लाई कि वो मुरूम की टेकड़ी, वो कलेक्टर को बोला ये कॉरपोरेशन को फुकट में दे दो, सर ये कैसे, हमने बोला प्रस्ताव ले लो और दे दो, मैंने मुरूम फुकट में आया, द फ्लैश मैं देता हूँ फुकट में और कोराड़ी के लाता हूँ, और कैल्शियम कार्बोनेट 4% चाहिए तो वो सतना से लाना है, नहीं तो जो स्टील स्लैग है वो पाउडर करके वो डाल के उसको पानी डाल के सॉइल स्टेबिलाइज करके हम रोड बनाएंगे 10 साल तक, और कॉस्ट आ रही 15-20 लाख। मैंने बोला यही काम करो, अब ड्रेनेज की लाइन, पानी की पाइपलाइन, रोड, स्ट्रीट लाइट्स, ये मिनिमम बातें, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स, ये तो कम से कम अभी लोगों को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फायदा कॉमन लोगों को होगा। अभी आप जैसे ताड़ुआ में जाते हैं, वहाँ के लोगों की हालत खराब है,
वहाँ जो लोग रहते हैं उनको फॉरेस्ट में घर है उनके, वो बना नहीं सकते। तो जो ऐसे सेंटर है वहाँ एक अच्छा स्मार्ट विलेज भी बनना चाहिए, और स्मार्ट विलेज बनेगा तो वो लोगों की रहने की व्यवस्था होगी, उनका भी सोचना होगा, और वहाँ के रॉ मटेरियल का उपयोग करके हमें इसको उसके साथ जोड़ना होगा। बाम्बू बड़े प्रमाण पर फॉरेस्ट में हो रहा है, और बाम्बू से अब मैंने बीच में एक जर्सी बनाई थी, तो हमारे एमएसएमई के सेक्रेटरी को तो मुझे फोन आता हूँ, मैं पहनता हूँ करके, उसमें पसीने नहीं आता, उसकी अंडर पैंट बनियन बनी, आप बाम्बू का अचार बना, बाम्बू का सूप अच्छा बनता है, बाम्बू के कपड़े अच्छे बने। अभी इतने अच्छे अच्छे हमारी कलाएँ हैं हैंडलूम, मैंने अपने गांव में धापेवाड़ा में एक धापेवाड़ा टेक्सटाइल शुरू किया, और फिर से 1500 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, और वो चिंदियों से गालीचे बनाए, फिर मैंने उनको कहा तुम साड़ी बनाओ, तो कल उन्होंने मुझे साड़ी बनाकर बताई, और अभी हमारी मार्केट में भी जाती है अच्छी। तो जो साड़ी 5000 रुपये में मिलती है वो हम लोग 450 में देते हैं, तो 400-450 में बनती है 25 रुपये में। तो हमारे यहाँ हमारी वेविंग हैंडलूम ये हमारे नागपुर की विशेषता थी। तो स्वाभाविक रूप से कॉटन टू कपड़ा और कपड़े टू रेडीमेड गारमेंट हमारा एक ऑरेंज क्लस्टर है, ये उत्तर नागपुर में कौन सा ये एरिया इंडस्ट्रियल उपलवाड़ी, और पूरे रिलायंस के कपड़े वो बना था, ठप्पा वो लगा था, वर्ल्ड के कितने ब्रांड नागपुर में बनते हैं, बेस्ट बनाते हो, 1500 महिलाएं वहाँ काम करती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जब होगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो 49% ये टूरिज्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो रोजगार के लिए खर्च होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री का रोड बनाया, रोड केवल बन गया, वो भी अभी थोड़ा 25% होने का, तो इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री का ट्रैफिक या टूरिस्ट 3 गुना बढ़ गए। तो सरकार ने बंद किया लोगों को आना, परमिट राज शुरू किया, हेलीकॉप्टर में जगह नहीं। अभी अम्बोरा में हम एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, और यहाँ से विमान उड़कर वो वहाँ उतरेगा। अब ये जो है इसमें इन्वेस्टर मिलने चाहिए, अभी अच्छा हुआ सरकार से पैसा मिला तो हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो मल्टीप्लाई होता है उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो आप वेद की तरफ से करिए, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेशन कंसर्निंग डिपार्टमेंट से करिए, और फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसका प्रेजेंटेशन एंटरप्रेनर्स जो है उनके सामने रखिए, और एंटरप्रेनर जब इसको काम करेंगे तब उनको जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स में आप और हम सब लोग मिलकर उनको सहयोग करेंगे तो देर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरी, और मुझे लगता है कि इसी से ये मल्टीप्लाई होगा। और टाइगर तो बस अभी ये ऑरेंज बर्फी का मैं काम करो 5 साल हो गए नहीं जमा को, ये कद्दू डालते हैं सब लोग, ऑरेंज बर्फी है ना बराबर नहीं है इनकी जो मार्केट में, तो मैंने कहा ऑरेंज से ही बननी चाहिए। मदर डेयरी ने इतने प्रयोग किए तो अच्छी बनाई बर्फी, और उसका शेल्फ लाइफ 7 दिन है। फिर मैंने उनको कहा कि तुम ये ऑरेंज की पाउडर बनाओ, तो बोले हमारा ये काम नहीं। अब मैंने बोला तुम छोड़ दो, मैंने को मदद की, मैंने कहा तू ला मशीन ऑरेंज की पाउडर बनाओ छोटे संतरे से, और वो खोए में डालकर एक 2-2.5 महीने का शेल्फ लाइफ वाले ऑरेंज बर्फी करो, मेरा पूरा विश्वास है कि वर्ल्ड में जाएगी ब्रांड करके, क्योंकि ऑरेंज एंड टाइगर ये 2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका ऑलरेडी वर्ल्ड में नाम है हमारा। मैं जब अनेक फॉरेन में जाता हूँ और नागपुर का बोलता हूँ तो ऑरेंज की याद करते लोग, अब टाइगर की भी याद करते एज ए टाइगर कैपिटल। तो मुझे आपसे एक ही सुझाव देनी है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में राठी जी ने मैंने देखा वो आया है तो अच्छी बात है, वो डेवलप करने के लिए जो प्लान है उसमें आप जो करना चाहता है उसी को करने के लिए बोलिए। रोड काफ़ी अच्छे बन गए हैं और वहाँ हर जगह पर सोलर के कारण भी सुविधा मिलेगी, और वहाँ पार्किंग अच्छा हो, वॉशरूम अच्छे हो, वहाँ को ब्रांडिंग करके नए नए एंटरप्रेन्योर, अभी ये उमरेड़ में नए नए लोग काम कर रहे हैं रिसोर्ट में और अच्छा चल रहा है,
ताड़ोबा में आए, इनका बहुत अच्छा बना हुआ है पेंच में। तो मुझे लगता है कि अग्रवाल जी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनके यहाँ इतना बुकिंग है, मिलता नहीं वहाँ, काफ़ी बड़े प्रमाण पर लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पर ये भी क्या करें, वो बस गाड़ियाँ नहीं चलाने देते फॉरेस्ट वाले, क्योंकि अभी वो इलेक्ट्रिक पे ट्रांसफ़र करके अगर वो तीन गुना बढ़ गई तो ऐसे ये रिसॉर्ट तीन गुना बढ़ेंगे। तो मेरा आपसे सुझाव है कि एज ए फैसिलिटेटर हम वेद की ओर से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स तैयार करके आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट में और उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं जब मंत्री था तो विलास गोविंद और उस समय वेद की टीम काफ़ी बातें तैयार करती थी। आज तुमको बताते हुए कल ये आशीष जायसवाल, ये कल मेरे साथ कार्यक्रम में था और उसने मुझे कहा कि आपको पता है कि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। बोला क्या? बोले हर साल 400-500 करोड़ नागपुर जिले को मिल रहे हैं मिनरल फंड से। तो मैं जब था मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे तो मेरे अध्यक्षता में कमेटी हुई और बोंगिरवार जो चीफ सेक्रेटरी थे उसके सेक्रेटरी थे, गोविंद उसका मेंबर था, विलास भी था और 5-7 मेंबर थे। और इन्होंने मेरे सामने एक बात रखी थी कि यहाँ जब मिनरल्स है तो पूरा मुंबई में क्यों पैसा, यहाँ क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जहाँ मिनरल कोल्स की सबकी रॉयल्टी जो होती है वो अब माइनिंग फंड आया 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपए, 2-3 हज़ार करोड़ आता है और उसमें से जिस जिले में जितना मिलता है उसको वो पैसा मिलता है। तो आज नागपुर में माइनिंग फंड अनेक जगह पर यूज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा अच्छा सुझाव, और वो दैट क्रेडिट मुझे नहीं है, प्रकाश देशपांडे उस समय था तो अब गोविंद ने, और उन्होंने कहा कि जब कोयल माइन हमारी है तो ये बोलने लगे कि हमको पावर सस्ती चाहिए, उसमें बहुत तकलीफ थी। पर कोल के ऊपर जब रॉयल्टी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, वो बात भारत सरकार में जब हमारी सरकार आई 10 साल के पहले, तब मोदी जी के समय ये पीयूष गोयल मंत्री था, तो मैंने उनको कहा कि जिस एरिया में तुम कोयला निकालते हो पूरे रोड खराब करते हो, पीने के लिए पानी नहीं, वहाँ के लड़कों को रोजगार नहीं देते हो, जमीन के सही भाव नहीं देते हो और उनके ऊपर अन्याय, सब पैसा तुम सेंट्रल क्यों है, वहाँ के लोग चिड़ेंगे नहीं, नक्सलाइट नहीं बनेंगे? तो बोले क्या करना चाहिए, मैंने बोला कुछ हिस्सा राज्य सरकार को माइनिंग फंड के रूप से देना। आइडिया वही क्लिक हो गई, आगे आ गई, भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई। अब झारखंड को 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ मिले, हमारे यहाँ विदर्भ को मिल रहे और उन डिस्ट्रिक्ट को मिल रहे जहाँ माइनिंग होती है। तो ये आइडिया वेद ने दी थी, ऐसे बहुत, अभी मुझे याद नहीं बहुत सी बातें। समवेयर यू कैन हैव ए वेबसाइट वेयर आइडिया ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फॉर विदर्भा, तो आप आउटसोर्स करके लोगों को बताइए, खूब अच्छे सुझाव आएंगे और उसमें से कमिटी में उसको आप स्टडी करके, क्योंकि सुझाव देने वाले कभी कभी कुछ भी दे देते हैं जो सरकार की कुछ अपनी मर्यादा भी होती है, तो कौन से सुझाव ये प्रैक्टिकल है, कौन से गवर्नमेंट पॉलिसी में बैठ सकते हैं, कौन से लार्ज कम्युनिटी के इंटरेस्ट के हैं, उसका अगर आपने क्लासिफिकेशन किया और वो अगर आपने MLAs MPs को फॉलोअप किया तो बहुत सी बातों में धीरे धीरे बदलाव हो सकता है। ऐसे ही बदलाव हुआ है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो फैसिलिटेटर के रूप में वेद का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अभी आप जैसा काम करते हैं आशीष वगैरह को मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप एडवांटेज विदर्भ शुरू करो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हाँ, मुझे भी पता नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज हैं। अभी नवाल साहब का एक्सप्लोजिव में कितना बड़ा काम हो गया। अब ऐसे धीरे धीरे हमारे यहाँ काफ़ी क्लस्टर्स, काफ़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है और उसके साथ साथ जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो फिर रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, इनको सबको बढ़ावा मिलेगा और हम उस इन्वेस्टमेंट के साथ अगर क्वालिटी सर्विस देंगे तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी खड़ा होगा और निश्चित रूप से हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। पर इसमें सरकार के बीच में और प्रोजेक्ट के बीच में फैसिलिटेटर करके आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर सकती है। मैं एक बार मेरे ऑफिस को बताऊंगा, मेरे पास समय की कमी है, मैं पूरी जितनी आइडिया डिस्ट्रिक्ट वाइज से लेकर, अब मेरी भी एक कमी है, मैं 1 रुपये का 10 रुपये का काम करता हूँ और 1 रुपये का बताता हूँ। दूसरा, मेरा अपना खुद सबक, मुझे कोई हार डाला हुआ चलता नहीं, मेरा किसी ने पोस्टर लगाया तो मुझे चलता नहीं, ना मैं खुद का लगाता, ना दूसरे का लगाता, ना किसी के गले में हार डालता हूँ। वैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि 1 रुपये का काम करे तो 10 रुपये का प्रचार करना चाहिए।
मैं दिन भर 5 बजे तक अधिकारियों की मीटिंग करके लाखों के निर्णय करता हूँ, पर मीडिया को नहीं बुलाता हूँ। अगर मेरी कमी है तो आप मेरा ऑफिस में कोऑर्डिनेट करिए, आई डोंट वांट क्रेडिट फॉर दैट। पर आप ये एनआईटी के साथ अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में क्लस्टर बन रहे हैं, नागपुर में मार्केट्स बन रहे हैं, नागपुर में प्लेग्राउंड बन रहे हैं, तो ये नागपुर में अभी सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम, ये नागपुर का सबसे देश का अच्छा ऑडिटोरियम है। नागपुर में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसको मेट्रो, ये फर्स्ट टाइम नागपुर में हुआ। अभी मैं चेन्नई में और पुणे में 1,00,000 करोड़ के ब्रिजेस बना रहा हूँ, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो शुरुआत नागपुर से हुई। नागपुर टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ कमाने वाला देश का पहला शहर, 24/7 नागपुर। अभी इतनी बहुत सी बातें नागपुर के साथ जुड़ी हुई हैं, वो निश्चित रूप से जो अच्छी बात है उसके लिए तो लोग अभिनंदन के लिए पात्र हैं, पर जहाँ कमियाँ हैं वो कौन ढूंढ ले? आपको तो कुछ चिंता करना नहीं चाहिए, सरकार को कुछ भी पार्टी का हो, जो काम नहीं करता उसकी ठुकाई करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने भी डिपार्टमेंट को पता लो, गड्ढा दिखा तो सारा ठोको, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो खराब काम करेगा वो मार खाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एज ए फैसिलिटेटर बिटवीन द पीपल, आप अगर इन एक एक एजेंसी के किए हुए काम, उनकी पॉलिसी, उनका फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, उसका मॉनिटरिंग और उसके साथ डेवलपमेंट को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो सकता है। और आज आपके कारण भी काफ़ी डेवलपमेंट में आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसलिए आपके पास जो कंसल्टेंट को बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विथ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालो, आइडिया दे देंगे पर पैसा कैसा वसूल होगा, कितना ट्रैफिक आएगा, तो ये जो लिस्ट है इसमें से आप अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ प्रेजेंटेशन करके एक 500 प्रोजेक्ट विदर्भ के टूरिज्म के आपने इनको दिए, तो फिर उसमें से जो लोग इसमें सिलेक्ट करके आगे आएंगे तो उनके कारण फिर उनके इन्वेस्टमेंट से हमारी डेवलपमेंट मल्टीप्लाई होगी। पोटेंशियल हमारे पास है पर उसको ठीक प्रकार से सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है, और वेद ने यह काम बहुत अच्छे तरीके से किया था और अभी आप उसका नेतृत्व कर रही, तो आप ज़रूर करिए, गलती होगी तो हमें भी बताइए, हम उसको सुधारेंगे, और कुछ काम नहीं होता है तो हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी, अभी आप लोगों ने जो स्टडी किया आनंद राठी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब ये लोणार सरोवर है और उसके बाजू बाजू में कुछ अच्छे रिसॉर्ट्स ये बनने चाहिए। आप देखो भारत का सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनी बना है तो शेगांव। मैं जब शेगांव में जाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि तुम हॉस्पिटलिटी का कॉलेज शुरू करो, वो मंदिर के सेवक वर्ग कितने डिसिप्लिन है, कितना क्लीननेस है, कितने लोग खाना खाते हैं और कितना सुंदर प्लानिंग है। मैं ऐसे दर्शन करने गया था तो चुनाव जीतने के बाद मैंने कभी बोलता नहीं हूँ, मैंने कहा एक ट्रक शक्कर भेजूँगा, और जब मैं चुनाव जीत गया तो मैंने बोला कि इनको भेज दो, तो उन्होंने बोला अभी मत भेजो, हमारे पास है। तो मैंने बोला फिर क्या करेंगे, बोला मैं हम आपको डेट देंगे और उसी डेट को हमको उतनी डिलीवरी चाहिए। तो हमारी स्टडी केस अगर करना है तो ये मंदिर मैनेजमेंट की द बेस्ट केस। अभी मैं तो लगातार तिरुपति भी गया हूँ, तिरुपति बहुत अच्छा है, ये शिरडी का मैंने सब देखा है, पर शेगांव इज बेस्ट अमंग द ऑल। आप जरूर वेद से स्टडी कराइए, और नहीं तो मंदिरों में, यही हम लोग बाकी मंदिरों में करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम उसको सुधारेंगे तो नेचुरली वहाँ लोग आते जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आइडेंटिफाई करके जो जो अच्छाई है उसको पेनिट्रेट करने में और प्लानिंग बनाकर उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को देकर प्रोजेक्ट लोगों के सामने रखने में अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, और ये ज़रूरत भी है। तो मैं निश्चित रूप से आपको अनुरोध करूँगा कि ये सब बातों के लिए आप और डिटेल में जाकर सब जानकारी लेकर सेक्टर वाइज आप सबको बुलाइए, और उनको आपने एक रेडीमेड DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया, प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी दी फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ, तो ये लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मत है कि अब बाहर के लोगों को बुलाना चाहिए, पर हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पैसा कमाएंगे तो यहाँ बंगला बनाएंगे, यहाँ गाड़ी खरीदी करेंगे,
जो मुंबई से कलकत्ता से आएगा वो तो पैसा लेके उधर भेजेगा। तो हमको यहाँ के लोगों को धनवान बनाना, उनको बड़ा करना जो यहाँ के भूमि पुत्र है, तो कोई भी रिलीजन कास्ट और क्रीड के होंगे, पर यहाँ के स्थानिक लोगों के डेवलपमेंट में हम काम करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसलिए आपके इनिशिएटिव को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। राठी जी ने आपको एक प्लान बना के दिया, अब उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ आप उसका प्रोजेक्ट का प्रोफाइल तैयार करके, ऐसे पूरे विदर्भ के 300-400 प्रोजेक्ट तैयार करके आप जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, उनके पास ले जाइए और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमको बताइए, हम उसमें ज़रूर मदद करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सबको और वेद के पदाधिकारियों को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।